धरा ने ऋषभ को इस तरह से बोलते देखकर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मैंने कोई बॉस कार्ड नहीं खेला, मैंने तो बस इतना बोला कॉफी पर तुम्हें जब मैं लेकर आई हूं तो बिल भी मैं ही पे करूंगी। धरा की बात सुनकर ऋषभ ने कुछ सोचा और कहा, ठीक है तो फिर नेक्स्ट टाइम भी तुम ये बात याद रखना, अगर मैं तुम्हें कहीं लेकर जाऊंगा तो फिर वहां का बिल मैं ही पे करूंगा, ओके। धरा ने जैसे ही ऋषभ की बात सुनी, धरा ने खुश होते हुए थम्स अप किया और ऋषभ से कहा, ओके डन। धरा और ऋषभ दोनों एक साथ कॉफी शॉप से बाहर निकले। ऋषभ ने पहले धरा को उसके घर छोड़ा और फिर ऋषभ वहां से अपने घर चला गया। उधर मिहिर, जो अपने डैड के एक्सीडेंट को लेकर काफी ज्यादा परेशान था, जब उसे पता चला कि पापा को हॉस्पिटल में ही रुकना है तो वो भी वार्ड के बाहर बेंच पर ही बैठे बैठे सो गया। जब सुबह मिहिर की आंख खुली और मिहिर अपने डैड के स्पेशल वार्ड में गया तो मिहिर ने देखा कि कंपनी के कई सारे स्टाफ मेंबर्स पापा से मिलने आए हैं। पूरा वार्ड लोगों से भरा हुआ है, वहीं श्याम अंकल उन सभी लोगों के साथ काफी ज्यादा बिजी हैं। तभी मिस्टर बिष्ट ने श्याम अंकल से कहा कि अब वो और हॉस्पिटल में नहीं रुकना चाहते हैं, उन्हें घर जाना है क्योंकि हॉस्पिटल में वो ठीक से रेस्ट नहीं कर पाएंगे। वहां खड़े कंपनी के सभी लोग मिस्टर बिष्ट की तबीयत को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे और तभी मिस्टर बिष्ट ने बेड से खड़े होते हुए नरम आवाज में कहा, आप सभी यहां पर मुझे देखने आए उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच, लेकिन मैं अब आप सबको बताना चाहता हूं कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप सभी अब वापस अपने अपने काम पर जा सकते हैं। जैसे ही मिस्टर बिष्ट ने यह बात बोली, सभी लोग मिस्टर बिष्ट की तरफ घूर कर देखने लगे और मिस्टर बिष्ट ने श्याम अंकल की तरफ देखा और छोटे बच्चों की तरह जिद करते हुए कहा, अब मुझे घर ही जाना है, मैं अब यहां और नहीं रुकूंगा। श्याम अंकल ने मिस्टर बिष्ट की बात पर सहमति में सिर हिलाया और श्याम अंकल मिस्टर मोहन को लेकर घर वापस आ गए। मिहिर भी घर वापस आया और सीधा फ्रेश होने के लिए अपने रूम में चला गया। घर पहुंचकर ऑलमोस्ट 3 घंटे बाद मिहिर के पास करण का फोन आया। मिहिर ने तुरंत करण का फोन पिकअप किया। करण ने कहा, हेलो मिहिर, मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर हूँ, तुम अपने घर से सीधा उस रिपेयरिंग स्टोर पर मिलो जहाँ कार है और तुम मुझे वहां की लोकेशन व्हाट्सएप करो। मिहिर ने करण की बात से एग्री करते हुए कहा, ठीक है मैं बस 10 मिनट में वहां पहुंचता हूँ। मिहिर ने करण को लोकेशन सेंड की और मिहिर भी तुरंत कार रिपेयरिंग स्टोर की तरफ निकल गया। जैसे ही मिहिर रिपेयरिंग स्टोर पर पहुंचा, करण जो अभी अभी ट्रैवल करके वहां पहुंचा था, उसने अपनी थकान की परवाह नहीं की और वो तुरंत अपने काम में लग गया। वो कार ठीक तरह से चेक करने लगा। मिहिर ने करण को तुरंत काम में बिजी होते हुए देखकर कहा, करण अगर तुम टायर्ड फील कर रहे हो तो थोड़ा रेस्ट कर लो यार, उसके बाद कार चेक कर लेना। करण ने मिहिर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मैं इतना भी नहीं थका। इतना बोलकर करण कार चेक करने में लग गया। करण ने कार को काफी देर तक चेक किया और पूरी कार को चेक करने के बाद करण ने मिहिर की तरफ देखकर कहा, मिहिर मैंने पूरी कार को काफी अच्छी तरह से चेक किया है और कार का एक्सीडेंट ब्रेक के फेल होने की वजह से ही हुआ है। किसी ने कार के साथ जरूर कोई छेड़छाड़ की है क्योंकि ब्रेक ऑयल लीक हो रहा है और इस टाइम कार में 1% भी ब्रेक ऑयल नहीं है। मिहिर ने थोड़ा सोचते हुए पूछा, आर यू श्योर करण की कार को किसी ने जानबूझकर खराब किया है? हो सकता है ऑयल अपने आप ही लीक होने लगा हो। करण ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, आई एम डैम श्योर, मैं पूरी तरह से श्योर हूं क्योंकि ब्रेक ऑयल के कई सारे पेंच ढीले किए गए हैं और मैंने इतने सालों तक यही काम किया है तो मैं अपने एक्सपीरियंस की वजह से ही ये बात इतनी श्योरिटी से बोल पा रहा हूं। जब मिहिर ने देखा कि करण अपनी बात पर इतना ज्यादा श्योर है तो मिहिर ने अपना सर नीचे झुका लिया। मिहिर सोचने लगा कि वो कौन है जो बिष्ट ग्रुप के बॉस पर इस तरह से हमला करने के बारे में सोच सकता है, इतनी किसकी हिम्मत हुई। मिहिर ने करण की तरफ देखकर अपने मन में कहा, अच्छा हुआ जो मैंने करण को यहां बुला लिया क्योंकि मैं और किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था। अब जब करण ने मुझे बता दिया है कि ये किसी ने जानबूझकर किया है तो अब मुझे इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा। मिहिर को इस तरह से चुप देखकर करण ने मिहिर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मुझे पता है मिहिर तुम ये सोच रहे होगे कि ये काम कौन कर सकता है, लेकिन ट्रस्ट मी ये किसी ने पूरी प्लानिंग के साथ किया है। ये तो अच्छी बात है कि ये अच्छी कंपनी की कार थी इसलिए ज्यादा कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन मिहिर तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं ये कार बिल्कुल पहले जैसी बना दूंगा और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिहिर ने करण की तरफ देखकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, सॉरी यार मैं तुम्हें इतना परेशान कर रहा हूं और तुम मेरे सिर्फ एक बार बुलाने पर ही सिटी से यहां पर आ गए, मैं आज काफी ज्यादा बिजी था इसलिए तुम्हें एयरपोर्ट पर लेने भी नहीं आ पाया, अगर तुम्हें सिटी वापस जाने की जल्दी ना हो तो तुम कुछ दिन यहां मेरे साथ रुको ना। इतना बोलकर मिहिर ने अपने पर्स से एक बैंक कार्ड निकाला और उसे करण को देते हुए कहा,
इस कार्ड में कुछ पैसे हैं, इसे तुम रखो, और अगर तुम्हें किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो तो मुझे तुरंत कॉल कर लेना, ओके? करण ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं मिहिर, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता यार। तुम मेरे दोस्त हो तो मैं अपनी दोस्ती के खातिर इतना तो कर ही सकता हूं ना। तुम अपना ये कार्ड वापस रखो। मिहिर ने जबरदस्ती कार्ड करण के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, जिद मत करो करण, तुमने वैसे भी मेरी बहुत बार हेल्प की है, और इस बार अगर मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए तो शायद मैं फ्यूचर में कभी तुमसे हेल्प भी नहीं मांग पाऊंगा। क्या तुम यही चाहते हो कि नेक्स्ट टाइम जब मैं किसी प्रॉब्लम में पड़ूं तो तुम्हें कॉल ना करूं? अगर तुम ऐसा चाहते हो तो फिर ठीक है, मत लो ये कार्ड। करण ने मिहिर की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम जब भी किसी प्रॉब्लम में हो मैं तुम्हारी हेल्प के लिए तुरंत आ जाऊंगा, तुम बस मुझे एक कॉल कर लेना। मिहिर ने करण की बात सुनते ही तुरंत कहा, तो फिर जल्दी से ये कार्ड रख लो, अगर तुम ये कार्ड नहीं रखोगे तो नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें नहीं बुला पाऊंगा। करण ने मिहिर की बात पर हंसकर अपना सिर हिलाया और कहा, अच्छा ठीक है, अगर तुम इतनी जिद कर रहे हो तो मैं इसे रख लेता हूं, ये लो, थैंक यू सो मच। मिहिर ने कार की तरफ देखा और मिहिर ने अपने मन में कहा, ये मामला जितना सीधा लग रहा है उतना है नहीं, कोई तो है जो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। मुझे इस मामले को सीक्रेटली पता लगाना होगा, इन सब के पीछे कौन है। करण कार को रिपेयर करने लगा और तभी मिहिर ने करण से कहा, करण मैं अभी थोड़ा काम से बाहर जा रहा हूं, तुमसे बाद में मिलता हूं। इतना बोलकर मिहिर तुरंत वहां से निकला और मिहिर ने धीमी आवाज में कहा, मैं घर नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं अभी इस बात का पता लगाऊंगा, और अगर मुझे कुछ भी पता लगाना है तो सबसे पहले मुझे वासु के पास जाकर यह पूछना होगा कि पिछले कुछ दिनों में उसके अलावा और कौन कौन इस कार के पास गया था। इतना बोलकर मिहिर वासु को ढूंढने के लिए चला गया। धरा एम्ब्रॉयडरीज में। धरा आज ऑफिस में काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि कल रात को ऋषभ के साथ जब वो कॉफी से वापस लौटी तब से धरा को काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। धरा के चेहरे पर एक अलग ही ब्लश नजर आ रहा है। धरा ने अपना पर्स खोला और धरा को वही रुमाल दिखा जिस पर धरा ने डी और आर बनाया हुआ था। उस रुमाल को देखकर धरा को कुछ याद आया और धरा ने रुमाल वापस अपने पर्स में रखा और एक नया रुमाल निकालकर उस पर एम्ब्रॉयडरी की नई डिजाइन बनाते हुए कहा, एक काम करती हूं, जो उस रुमाल पर न्यू डिजाइन बनाई थी उसे इस रुमाल पर बना देती हूं, वरना इस बार अगर ऋषभ ने मुझसे डिजाइन मांगा तो मुझे उसे वही डिजाइन दिखाना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहती वो रुमाल ऋषभ देखे। धरा दूसरे रुमाल पर एम्ब्रॉयडरी की डिजाइन बनाकर उसे साइड में रख के केबिन से बाहर निकली और सारे वर्कर्स का काम चेक करने लगी। धरा की आंखें सिर्फ और सिर्फ ऋषभ को ढूंढ रही थी, लेकिन ऋषभ उसे कहीं पर नजर नहीं आ रहा था। धरा अपने केबिन में आकर बैठी और केबिन की विंडो खोलकर धरा ऋषभ के आने का वेट करने लगी। तभी धरा ने धीमी आवाज में कहा, इतनी देर हो गई और आज अभी तक ऋषभ आया नहीं, ऐसी तो वो कभी नहीं करता कि उसे आने में इतनी लेट हो, फिर आज ऋषभ ने आने में इतनी लेट कैसे कर दी। थोड़ी देर और वेट करती हूं, अगर नहीं आया तो फिर मैं ऋषभ को कॉल करूंगी। धरा ऋषभ का वेट करने लगती है, लेकिन जब काफी देर तक ऋषभ नहीं आया तो धरा ने ऋषभ को कॉल किया, लेकिन ऋषभ का फोन स्विच ऑफ था। धरा ने अपना मोबाइल फोन साइड में रखते हुए कहा, ये ऋषभ को हो क्या गया है, उसका फोन भी स्विच ऑफ है और आज वो आया भी नहीं, ऐसे तो कभी नहीं करता, और अगर ऋषभ छुट्टी लेता है तो वो हरमन सर या मुझे बताकर ही जाता है। धरा जो अभी तक काफी ज्यादा खुश दिख रही थी, धरा के चेहरे पर अब ऋषभ को लेकर फिक्र साफ नजर आ रही थी। मिहिर को जैसे ही वासु नजर आया वो वासु के पास गया। वासु काफी ज्यादा उदास था और उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था कि वो काफी ज्यादा परेशान है। मिहिर ने वासु के पास जाकर कहा, वासु तुम्हें इस बारे में इतना ज्यादा सोचकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। वासु ने जैसे ही मिहिर की बात सुनी वासु तुरंत अपनी जगह पर खड़े होते हुए बोला, अब मिहिर सर आप यहां, थैंक यू सो मच आप यहां पर आए, लेकिन उस बात को हम भूल नहीं पा रहे हैं, हमसे इतनी बड़ी गलती जो हुई है, अगर हमारी वजह से मालिक को कुछ भी हो जाता तो हम खुद को माफ नहीं कर पाते, इसलिए हमने बहुत सोचा और हम एक नतीजे पर पहुंचे हैं, और वो ये है कि जैसे ही मालिक के लिए कोई दूसरा ड्राइवर मिल जाएगा हम अपनी जॉब से रिजाइन कर देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी लापरवाही की वजह से दोबारा कभी भी मालिक का एक्सीडेंट हो। इतना बोलते हुए वासु काफी उदास हो गया और तभी मिहिर ने कहा, क्या नहीं वासु, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो यार, तुमने कोई लापरवाही नहीं की, तुम प्लीज खुद को ब्लेम मत करो, क्योंकि तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है और इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। तुम नहीं जानते मैंने अभी अभी क्या पता किया है, आई थिंक मुझे तुम्हें सब सच बताना ही पड़ेगा।
वासु मिहिर की तरफ काफी हैरानी से देखने लगा और मिहिर ने वासु को पूरी बात बताने का फैसला किया। मिहिर ने कहा, वासु मैंने कार को चेक करवाने के लिए अपने एक दोस्त को बुलाया था और उसने पूरी कार चेक की तो पता चला कि किसी ने जानबूझकर कार का ब्रेक फेल किया जिससे डैड का एक्सीडेंट हो। तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं थी वासु। क्या मिहिर की इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में जा रही है? जानने के लिए सुनते रहिए रईस ज्यादा सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।